आपको आर्टिकल लिखने के लिए कंटेंट तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बट यहाँ पे बहुत से लोगों का क्या होता है, नीश एकदम अलग होता है और नीश के अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्हें कीवर्ड नहीं मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि आप अपने नीश के अकॉर्डिंग ट्रेंडिंग जो कीवर्ड्स हैं उसे कैसे आप फाइंड कर सकते हो। काफ़ी इजी मेथड है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हो कैसे निकालते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखते रहना। और वीडियो पसंद आए तो रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर करना, 1 सेकेंड का काम है, इजीली आप लाइक कर सकते हो, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि कैसे यहाँ पे आप ट्रेंडिंग कीवर्ड अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंग, अपने वेबसाइट के नीश के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो आपको काम करना है वो तो गूगल ट्रेंड है। गूगल ट्रेंड पे आप जाइए। अगर आपकी न्यूज साइट है, आप न्यूज साइट रन करते हो और आपको हर एक कैटेगरी में आपको ट्रेंडिंग कीवर्ड चाहिए जो ट्रेंड कर रहे हैं फिलहाल में, तो आप सीधे सीधे गूगल ट्रेंड पे चले जाओ। आपको कोई भी यहाँ पे झंझट नहीं पालना है कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। आपको पता चल जाएगा कि अभी ट्रेंडिंग में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो गूगल ट्रेंड्स पे आएंगे, जैसे देख सकते हैं RRB NTPC DHFL बैंक फ्रॉड केस, तो ये सारी चीज़ें अभी ट्रेंड में चल रही हैं। तो एक तो ये न्यूज वालों के लिए मतलब गूगल ट्रेंड्स बेस्ट है। गूगल ट्रेंड्स आपके पास है तो कहीं पे भी आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। तो ये तो न्यूज वालों के लिए बेस्ट है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपका यहाँ पे नीश अलग है तो फिर कैसे आप निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लोर टॉपिक्स का ऑप्शन आता है। एक्सप्लोर पे जब आप क्लिक करोगे तो जो भी आपका नीश है उसे आपको इसमें टाइप कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई यहाँ पे लोन से रिलेटेड यहाँ पे अपना आर्टिकल लिखता है, तो लोन आपको सर्च कर लेना है। तो लोन यहाँ पे देखिए मैंने सर्च किया है, तो यहाँ पे हम नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए जो कीवर्ड है, रिलेटेड कीवर्ड है, क्वेरीज हैं जो गूगल पे सर्च की जा रही हैं, वो है देखिए जियो डेटा लोन, यानी कि जियो डेटा लोन कैसे ले सकते हैं, तो ये एक कीवर्ड निकल गया। PM मुद्रा लोन, उसके बाद नवी पर्सनल लोन, तो आपको कीवर्ड्स यहाँ पे देख रहे हैं मिल रहा है। ठीक है, आप नेक्स्ट करते जाइए, आपको बहुत सारे जो राइजिंग कीवर्ड है जो अभी ट्रेंड कर रहे हैं तो ये कीवर्ड आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो इस पे आप आर्टिकल लिख सकते हो। वहीं आप रिलेटेड टॉपिक्स में देखोगे तो PM स्वनिधि सॉफ्टवेयर, क्रेडिट भी, तो जितने भी मतलब लोन से रिलेटेड और भी चीज़ें होती हैं वो आपको रिलेटेड टॉपिक्स में दिख जाएंगी। तो ये तो पहला एक नीश हो गया जिसमें मैंने बताया कि कैसे आप यहाँ पे कीवर्ड ट्रेंडिंग कीवर्ड जो है निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा एक और नीश ले लेते हैं, अर्न मनी। जैसे मान लेते हैं बहुत से लोगों का मनी मेकिंग ब्लॉग होता है, मनी मेकिंग आइडिया जो शेयर करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ये नीश मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अर्न मनी मैंने लिखा और नीचे की तरफ आएंगे तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं आपको playlistpush.com अर्न मनी, मतलब इससे भी यहाँ पे पैसे शायद कमाए जा रहे हैं। हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन इन इंडिया फॉर स्टूडेंट, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, काफ़ी इजी होगा इस पे रैंक करना। और देखिए ये राइज बहुत तेज़ी से कर रहा है। स्नैक लैडर अर्न मनी, rumble.com अर्न मनी, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे देख सकते हैं लूडो निंजा, तो बहुत सारे यहाँ पे सॉल्व कैप्चा एंड अर्न मनी, तो बहुत सारे कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं मनी मेकिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो ये भी है YouTube शॉर्ट से रिलेटेड हो गया, YouTube शॉर्ट से भी पैसे कमा सकते हैं। लूडो फन क्लासिक बोर्ड गेम, लूडो बोर्ड गेम, तो रिलेटेड टॉपिक्स भी आपको यहाँ पे शो हो जाता है। तो ये बेस्ट मेथड है अपने नीश से रिलेटेड कीवर्ड आइडिया को फाइंड करने के लिए। अब मैं यहाँ पे अपना एक नीश दिखाता हूँ बायोग्राफी से रिलेटेड। तो बायोग्राफी मैंने यहाँ पे सर्च किया और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ग्राफ है ना, इंटरेस्ट ओवर द टाइम, तो ये ग्राफ देखिए इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो नीचे की तरफ आते हैं, अभी देखिए यहाँ पे रिलेटेड क्वेरीज में है नीरज चोपड़ा बायोग्राफी, हरनाज संधू बायोग्राफी, श्रुति शर्मा IAS बायोग्राफी, तो बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड्स जो हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं। आप इस तरह से अपने नीश से रिलेटेड उमरान मलिक बायोग्राफी, किली पॉल बायोग्राफी, ठीक है, तो यहाँ पे ये आप इस तरह से कीवर्ड निकालिए और अपने आर्टिकल को लिखिए। तो रिलेटेड, अगर आपका नीश से रिलेटेड कीवर्ड फाइंड करना चाहते हैं तो गूगल ट्रेंड बेस्ट ऑप्शन है। और इन कीवर्ड्स को निकाल कर आप गूगल ऊबर सजेस्ट में, फ्री का टूल है ऊबर सजेस्ट में डालिए और आपको उस पर सर्च वॉल्यूम और साथ ही साथ डिफ़िकल्टी वगैरह पता चल जाएगा। और सबसे खास बात है देखिए गूगल ट्रेंड्स में अभी आ रहा है तो जाहिर सी बात है सर्च वॉल्यूम आपको कम दिखाएगा क्योंकि ये ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं, अभी इसका डेटा फेच होने में समय लगेगा। ठीक है, तो आप काम करिए, आप सर्च वॉल्यूम को ज़्यादा फोकस मत करिए, ये ट्रेंडिंग कीवर्ड्स है, अगर रैंक करेंगे तो आपको ट्रैफिक मिलेगा। और मैक्सिमम जो टूल होते हैं वो एक्यूरेट डेटा नहीं दिखाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और ब्लॉगिंग सीखने के लिए मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और पिछली वीडियो में
मैंने गूगल में रैंक करने के तरीकों को बताया था, तो काफ़ी पसंद आया आप लोगों को वीडियो, तो इस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।